साहब आप ये क्या बोल रहे हो? चूसना, चाटना, धरना, पकड़ना, काटना, ठुकना, जो चाहे मन कर लो, बस साहब को मजा आना चाहिए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे होक्यो की वेब सीरीज सब्जी वाली एपिसोड 1 की स्टोरी के बारे में। इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है जिसका नाम बिरजू बाबू होता है। बिरजू बाबू को पैसों का बहुत घमंड होता है, उसे लगता है कि पैसे से वो कुछ भी कर सकता है। और उसके साथ उसका एक चमचा होता है जिसका नाम मोंटी होता है। मोंटी का काम सिर्फ बिरजू के साथ चमचागिरी करने का होता है। एक दिन बिरजू और मोंटी दोनों स्कॉर्पियो में बैठकर जा रहे होते हैं और बिरजू बाबू ने विमल खाई होती है और उसे थूकना होता है, तो वो सड़क पर जा रहे एक गरीब आदमी के ऊपर थूक देता है। तो आदमी उसे गाली देता है कि कौन है बे तू हरामी जो मेरे शर्ट पर थूका। तो बिरजू बाबू गाड़ी रोक कर उस आदमी से कहता है कि किसको गाली दिया बे हरामखोर, तुझे पता नहीं क्या कि मैं कौन हूँ और कितने का शर्ट है रे तेरा बता। तो गरीब आदमी जानबूझकर रेट बढ़ाकर बताता है कि 1500 का शर्ट है। तो बिरजू बाबू और मोंटी हंसने लगते हैं। फिर बिरजू बाबू उस आदमी से कहता है मैं तुझे 3000 दूंगा पर तुझे मेरा एक काम करना होगा, तुझे कहना होगा कि तू मादरचो है। तो गरीब आदमी सोचता है और कहता है कि 5000 देगा तो मैं बोलूंगा कि मैं मादरचो हूँ। तो बिरजू कहता है ठीक है। फिर गरीब आदमी खुद को मादरचो कहता है और फिर बिरजू बाबू उसे 5000 देता है और मोंटी से कहता है देखा मोंटी पैसों की पावर, जिसे चाहो जो करवा लो, पैसे फेंको सालों के मुंह पर, सब लोग कुछ भी कर देते हैं। तो मोंटी भी कहता है हाँ बिरजू बाबू सही कहा आपने। फिर बिरजू बाबू मोंटी से कहता है बहुत दिनों से सूखा पड़ा हो यार, कुछ तो इंतजाम करना बे। तो बिरजू कहता है मैं खुद कितने दिनों से सूखा पड़ा हूँ। उसी वक्त मोंटी सड़क किनारे एक सब्जी वाली लड़की को देख लेता है और बिरजू से कहता है कि ये सब्जी वाली कैसी रहेगी। तो बिरजू कहता है बहुत बढ़िया रहेगी, जा मोंटी उससे मेरे लिए खरीद के आ। और मोंटी को नोट की एक गड्डी देता है और कहता है जल्दी जा किसी भी हाल में वो लड़की को खरीद कर मेरे लिए लेकर आ। मोंटी कहता है इस लड़की की सूरत देखकर तो नहीं लगता कि वो आएगी। ये सुनकर बिरजू बाबू भड़क जाता है और कहता है ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर, तेरी औकात क्या है बे साले, तू मंदिर के सामने बैठकर जूते पॉलिश करता था, मेरा पिछवाड़ा चाट चाट कर तू आज इतना बड़ा आदमी बन गया, पैसे से बड़ा तेवर किसी का नहीं होता। मोंटी जल्दी से जा और लड़की को मेरे लिए खरीद के लेकर आ, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। तो मोंटी झट से सब्जी वाली लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि कितना पैसा कमा लेती है दिन भर में। तो लड़की कहती है 500 रुपए। मोंटी उसे 5000 रुपए देकर पूरी सब्जियां खरीद लेता है और उससे कहता है ले तेरी दिन भर की छुट्टी हो गई। तो सब्जी वाली कहती है इतनी सारी सब्जियों का तुम क्या करोगे, सब्जी से मतलब नहीं है, मतलब तुझसे है। वो देख जो गाड़ी में बैठे हुए है ना वो बिरजू बाबू है, बिरजू सन्स एंड इंडस्ट्रीज के मालिक। तो सब्जी वाली कहती है इतने सारे पैसे मुझे क्या करना होगा। तो मोंटी कहता है अरे पगली, एक अमीर आदमी बीच सड़क पर एक जवान लड़की को पैसे देकर किस चीज के लिए खरीदना चाहेगा, ये तेरे को नहीं पता क्या? देख चूस ले, चाट ले, धर ले, पकड़ ले, जो चाहे वो कर ले, बस साहब खुश हो जाने चाहिए। और उसे विजिटिंग कार्ड देता है और एडवांस पैसे देकर कहता है आज शाम में सर सवर के पत्ते पर आ जाना और वहां से चले जाता है। फिर शाम में बिरजू बाबू हाथ में जाम लेकर सब्जी वाली का इंतजार करता है और मोंटी उसके पैर दबाते हुए कहता है मुझे उस सब्जी वाली के तेवर से लग ही रहा था कि वो नहीं आएगी। तो बिरजू कहता है गालियां खाने वाले बातें मत कर, आज मेरा मूड खराब मत कर, अगर पैसा दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है तो वो जरूर आएगी देख लेना। उसी वक्त पीछे से सब्जी वाली की आवाज आती है साहब, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 में आगे क्या होगा हम जल्द ही जानेंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको होक्यो की वेब सीरीज सब्जी वाली एपिसोड 1 की स्टोरी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए एक्सप्लेन करते रहे। धन्यवाद।